था कि भिवंडी में रोडों पे खड्डे नहीं होते, खड्डों के अंदर थोड़े थोड़े रोड्स होते। तो दोस्तों इस गड्ढे को ऑलमोस्ट एक मंथ होने वाला है। तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका द वॉइस। दो महीना हो गया, दो पानी बह रहा। हाँ, दो महीना हो गया। बाइक वाले आगे गिर जा रहे थे। हाँ। मतलब रोज एक दो लोग गिरते होंगे। सही गिरते हैं। म्युनिसिपैलिटी वाला बोला तो बोलता है वो लोगों का काम अलग है, हम लोगों का काम नहीं है। डायरेक्ट बोला तो सही नहीं है रोड, यहाँ से वहां तक पूरा तो पूरा गड़बड़ है। हुदा स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है नया डिग्री कॉलेज आरबी कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, जहां साल 2024-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। स्पेशल कोर्सेज है बीएससी आईटी, बीएससी डेटा साइंस, बैचलर्स इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स से लेकर लाइब्रेरी तक हर फैसिलिटी अवेलेबल है, साथ ही एक्सपीरियंस फैकल्टी फॉर द बेस्ट गाइडेंस। ओनली एट आरबी कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, मैनेज बाय हुदा इंग्लिश स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, एट भंडारी कंपाउंड नियर मुथूट फाइनेंस, नारपोली, भिवंडी। सो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका द वॉइस। इसमें अभी हम खड़े आमिना कंपाउंड में नसीराबाद मस्जिद के एकदम सामने। हमने कुछ दिन पहले बनाया था एक वीडियो जहां हम आपको बता रहे थे कि रोड भिवंडी के कुछ एक्सीडेंट जोन है जहां खड्डे ज़्यादा या रोड कुछ खराब है, लोग वहां बहुत गिर रहे होते। तो ये हमारा उस वीडियो का सेकंड पार्ट है और हमें बस दामन करना के सामने ये जो गली है, ये गली टाइप रोड है आता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा है। वहाँ पे ये अच्छा खासा गहरा गड्ढा है, अगर आप इसको गौर से देखोगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ये अच्छा खासा गहरा गड्ढा है, इसमें पानी भी भरा हुआ है और ये चैम्बर है इधर पे। तो दोस्तों इस गड्ढे को ऑलमोस्ट एक मंथ होने वाला है। इधर से कार जाती है, बाइक जाती है और बह भी रहा है ऊपर से, और वो गंदगी ऊपर आती है फिर उसकी, और इधर काफी लोग गिरते हैं रोज। आइए हम इधर के जो शॉप है साइड में उनसे बात करके देखते हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे पूछते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है इस गड्ढे को लेकर। इन्होंने कुछ कहीं कंप्लेंट वगैरह करी नहीं करी, और कितने लोग इधर पे रोज गिरते हैं। भाई क्या नाम है आपका? इमरान शेख। इमरान भाई आप यहीं रहते हो? हाँ, ऊपर सामने बिल्डिंग पे रहते हो, दूसरे माले में। आप मुझे बताओ खड्डा कब से? खड्डा तो 15-20 दिन के ऊपर हो गया। ओके, इसका जो पानी ना 1.5 महीने से बह रहा था। कम से कम 2 महीना हो गया, दो पानी बह रहा। हाँ, दो महीना हो गया, इसको देखने के लिए तैयार नहीं है। दसा ये नहीं, 15-20 दिन नहीं, दसा कम से कम एक हफ्ता हो गया। कोई भी बाइक वाले आगे गिर जा रहे थे। मतलब रोज एक दो लोग गिरते होंगे? गिरते ही गिरते। सामने दुकान है मेरी, सब मालूम पड़ेगा ना। तो आपने कहीं कंप्लेंट वगैरह किया नहीं? नहीं, एक दो लोग को बोले भी लोग, मगर कोई कुछ बोला नहीं। बोले मेरा काम नहीं, बोलता मेरा काम नहीं, कुछ बोले नहीं। महानगर पालिका वाले को भी बोले थे हम लोग। म्युनिसिपैलिटी वाला बोला तो बोलता है वो लोग का काम अलग है, हम लोग का काम नहीं है। डायरेक्ट बोला, उन्होंने मतलब काम करने से मना ही कर दिया, हमारा काम नहीं, हमारा ही नहीं बोले। तो फिर किसका काम है? उनका काम है। क्या बोल रहे हैं? बोले डेनल लाइन वाले लोग काम है। बोले डेनल लाइन है ना ये, तो बोले लोग काम है। बाइक वाले सामने सामने आए गिर जा रहे हो तो सबको तकलीफ है ना यार। आपकी दुकान में बांस वगैरह जाती है? पानी जाती है, पूरा गंदगी तो जाएगा ना यार। पूरा एक भी तो सही नहीं है रोड, यहाँ से वहां तक पूरा तो पूरा गड़बड़ है। एक हफ्ता हो गया। आइए हम एक हफ्ते से है, कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं। अगर नगर सेवक भी यहाँ से आते जाते हैं, कुछ ख्याल नहीं करते इसका जरा भी। इतनी तकलीफ हो रही है, गाड़ी गाड़ी आ रही है, गाड़ी उसमें निकल तो एक बाइक वाला गिर गया इधर, कोई देखने वाला नहीं। पड़ा का छोटा था, अभी अंदर दस्ते जा रहा है, ज्यादा हो गया अभी, वो काफी गहरा हो गया। हाँ, वो काफी गहरा हो गया है, तो एक हफ्ते से चल रहा है ऐसा ही। यहाँ नमाजी भी आते जाते हैं, इसका भी तो कोई ख्याल रखना चाहिए ना। हाँ, यहाँ नमाजी भी बाजू में मस्जिद है, सब नमाज पढ़ने आते जाते, सब गंदा पानी उनके आंग पे जाता है। ये सब चीज देखना चाहिए ना लोगों को, यहाँ के नगर सेवक को जो भी है यहाँ पर। हाँ, वो लोग को देखना चाहिए ना। दोस्तों अभी हमने कुछ लोगों से बात किया और उन्होंने जो बताया, अभी हम कुछ और लोगों से बात करने की देखते हैं। पर आप देख सकते नीचे इधर एक दो नहीं दोस्तों, बहुत सारे गड्ढे। अगर एक दो गड्ढे होते तो इंसान संभाल के गाड़ी चला ले, पर इधर लगता है रोडों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में ही रोड है हमारे भिवंडी में। आइए हम इधर कोई होटल वाले या कोई टेलर से बात कर देते। चाचा, इधर खड्डे वगैरह कुछ बोलोगे आप? क्या बोलने का, खड्डा तो है, खड्डा तो है, ये तो ये खड्डा बन रहा कि नहीं है, क्या लगता है? नहीं बन रहा है, इधर इतना बड़ा वो खुदा हुआ। आप गिरे वहाँ पे कभी? नहीं, तो नहीं। गाड़ी वाड़ी गिर रही वहाँ पे? हाँ, गिर रही। नमाज पढ़ने आप जाते हो मस्जिद में तो छिटा विटा आता है उधर ना पाकी? सब आते। तो कब बनेगा फिर ये निरुक्तम? सो दोस्तों आपने अभी देखा लोगों का वहाँ कहना है कि ना पा गंदगी वगैरह, और मैंने जैसा पहले अभी कहा कि भिवंडी में
रोडों पे खड्डे नहीं होते, खड्डों के अंदर थोड़े थोड़े रोड्स होते हैं, तो इसका मनपा को इस पर ध्यान देना चाहिए, ड्रेनेज लाइन वाले को या जो हमारी कॉरपोरेशन उनको ध्यान देना चाहिए और उसको बनवाना चाहिए। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो बाजू में ही मस्जिद है, इधर नमाजी लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, पाक और साफ रहते हैं, बट अगर उसका छिट्टा उनके पर आता है तो वो नापाक हो सकते हैं, फिर उनको वापस से पूरा कपड़ा चेंज करके नहाना पड़ेगा। इस वजह से इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, नमाजी जाए या कोई भी जाए, पर हम सबको एक अच्छे से साफ सुथरा भिवंडी चाहिए, तरह के खड्डों वाला भिवंडी नहीं चाहिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो कॉर्पोरेशन तक पहुंच जाए या लोग इस पर कुछ ना कुछ एक्शन ले और ये जल्दी से बन जाए, क्योंकि इससे लोग गिर सकते हैं, उनको सीरियस वाली इंजरीज हो सकती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।